दोस्तों, आज मैंने शाम को एक न्यूज़ सुनी एंड आई वॉज फीलिंग शॉक्ड जब मैंने वो न्यूज़ सुनी, बिकॉज़ उस न्यूज़ में ये था कि पंजाब में जो है वो गवर्नमेंट स्कूल खोलने का सोच रही है, प्राइवेट स्कूल्स खोलने का सोच रही है। आपको पता है इतना बड़ा एपिडेमिक है और अब तो नंबर्स जो हैं वो पेशेंट के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, तो इस टाइम पे इस तरह की बात को सोचना बजाय इसके कि कोई और स्टेप लेना, तो मुझे बड़ा वो सुनकर शॉक हुआ मैं न्यूज़ को। मुझे समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में मुझे पता चला कि जो प्राइवेट स्कूल मालिकान हैं उन्होंने सब्सिडी मांग ली गवर्नमेंट से कि भाई वो हमें बिल्स वगैरह पे करने हैं स्कूल के और टीचर्स को सैलरी वगैरह देनी है, तो आप हमारे, जाहिर सी बात है, हमें जो है वो फंड जारी करें, आपको इतना पैसा मिल रहा है अमेरिका की तरफ से। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा भाई पैसे तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि पैसे तो हम खाली ले सकते हैं, तो उन्होंने फिर ये कहा कि हम सोचते हैं स्कूल खोलने पर। तो ये मसला था सारा का सारा। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड ऑन दैट। और अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि यूएस एड जो है वो पाकिस्तान को भरपूर तरीके से मिल रही है। अभी मुझे अमेरिका से, मेरे कोई जानने वाले हैं उनसे मुझे पता चला है कि पर पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं, पर पेशेंट पाकिस्तान को अमेरिका 14 लाख रुपए की यूएस एड दे रहा है पर पेशेंट। तो ये अरबों की तादाद में जो है वो पैसे आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो पेशेंट रिकवर होकर जा रहा है अस्पताल से, तो उससे पैसे किस बात के लिए जा रहे हैं भाई, ये तो समझा दें आप। आपको टेस्टिंग किट्स चाइना दे रहा है, टेस्टिंग किट्स आपको अमेरिका दे रहा है, यूएस एड आपको अमेरिका दे रहा है, इंजेक्शंस आपको अमेरिका दे रहा है, दवाइयाँ आपको अमेरिका दे रहा है, तो आप ये बिल क्यों लिए जा रहे हैं? जो बंदा रिकवर हो जाता है कोरोना वायरस से उसको बिल किस चीज़ का दिया जा रहा है? तो जब आपको इतने पैसे मिल रहे हैं तो पैसे किस काम के भाई, जब आप उसको लोगों पे लगा ही नहीं रहे, जब लोगों को खुद अपनी जेब से पे करना, कितने गरीब लोग हैं आप सोचें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो कहाँ से बिल पे करेंगे अस्पताल का? आप देखें ऐसे ऐसे बुढ़े बेचारे मजदूर जो बेलचे फावड़े लेके घूमते हैं मजदूरी के लिए, उनको भी कोरोना हुआ हुआ है, वो कहाँ से वो देंगे? आप मुझे बताएं, किसी को 2.5 लाख का बिल दे रहे हैं, किसी को 3 लाख का बिल दे रहे हैं। मुझे तो हैरानी, मैं तो हैरान हो रहा हूँ बिल्कुल। जाहिर सी बात है मैं कॉमन आदमी हूँ, एक नासमझ आदमी हूँ, हमने तो इनको वोट दिया था इसीलिए कि यार हमारे जो नुमाइंदे हैं वो बात करेंगे ना कोई ना कोई। एक सुबह सुबह एक गवर्नमेंट के एक साहब हैं, क्या नाम है, बोनी कपूर जैसी उनकी शक्ल है, वो टीवी पे सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और हम जब नाश्ते पे बैठते हैं तो हमें लगता है ये बंदा गवर्नमेंट का बंदा है, कोई हमें अच्छे एनालिसिस बताएगा, हमें ब्रीफिंग करेगा, कोरोना से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताएगा अपनी। लेकिन जैसे ही वो भाई साहब आते हैं टीवी पे और उनकी एक ही बात होती है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। अब मुझे आप बताएं, मतलब ये, या तो मैं तो कहता हूँ उन दोनों को फांसी दे दें ताकि ये काम तो करें आगे। ये कहते हैं नहीं नहीं भाई, फांसी भी नहीं देनी, काम भी नहीं करना, काम नहीं करना, पैसे लेते रहेंगे और हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। आप बताएं कब तक ऐसे चलता रहेगा? फिर दूसरी बात ये कि कोई भी स्टेप लेने से पहले ना सोचा जा रहा है, ना समझा जा रहा है, ना गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी काम करे रोज़ सुबह। प्राइम मिनिस्टर का ये फ़र्ज़ है भाई, उनको ड्यूटी पे रखा है कि जो भी वो फैसला लेंगे वो ब्रीफिंग करेंगे, रोज़ सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उन पे फ़र्ज़ है प्राइम मिनिस्टर पे, कि क्या हो रहा है बाकी सूबों में, रिपोर्ट लेना, डाटा लेना कि स्ट्रेटेजी क्या बन रही है, कहाँ क्या चीज़ लग रही है। मैं तो, मतलब मैंने तस्वीरें देखी हैं, मैं तो हैरान हो गया, वो पजामा पहन के वहाँ बैठे हुए हैं यार, प्राइम मिनिस्टर जो है मरी में बैठे घूम रहे हैं पजामा पहन के। मतलब आप, अब मैं इसके आगे मतलब क्या बात कर सकता हूँ? जाहिर है हम तो नासमझ लोग हैं, हम तो सिविल लोग हैं, हमारा तो, हमें तो इतनी अकल नहीं होती, लेकिन जिन नुमाइंदों को हमने चुना है उनको तो एटलीस्ट, उनको तो पता होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग तो हो उनके पास कि प्लानिंग है, ये हमारा प्लान है, हम इसके थ्रू काम करेंगे, हम इस तरह हम पेशेंट्स को, एपिडेमिक को डील करेंगे। लेकिन नहीं, वो बेचारे जफर मिर्जा साहब हैं, वो आते हैं, इंतहाई ढीले आदमी हैं, उनको उनको बेचारे को, मैं उन्हें किसी की बुराई नहीं करना चाहता है, वो बेचारे, जहरे हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है। अब वो बेचारे ढीला ढीला यूं यूं बताते हैं, ऐसे हो रहा है तो यूं हो गया तो वो हो गया। अब आप मुझे बताएं इस तरह से काम हो सकता है क्या? कोई भी मुल्क जो है वो इतना बड़ा एपिडेमिक से निपट सकता है? कितने प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं इन चीज़ों के लिए? एंड यहाँ तक कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तो बड़े प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं जिनका दिमाग तेज़ हो, जिनको जवाब देना आता हो, मीडिया को फेस करना आता हो। मीडिया खुद हमारी बावली है यहाँ पे, इन्होंने अपने बंदे फारिग कर दिए, जितने भी रिपोर्टर्स हैं सब फारिग कर दिए, क्योंकि आपको पता है एपिडेमिक में बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं बंद हो गई। इसी तरह अभी कुछ ही दिनों बाद बहुत बड़े दो न्यूज़ चैनल जो हैं बंद होने वाले हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, लोग बेचारे डर जाएंगे जो काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि ना बंद हो, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा एपिडेमिक है। अब न्यूज़ चैनल्स में उन्होंने रिपोर्टर फारिग कर दिए हैं, तो उनके पास जो अंट की छंट खबरें आ रही हैं, दो न्यूज़ चैनल्स की, चार न्यूज़ चैनल की बातें आपस में मैच नहीं कर रही होती, एक कुछ और बता रहा है, दूसरा कुछ और बता रहा है। लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों जो PIA का जहाज़ जो क्रैश हुआ था, तो आप यकीन करें कि 4 घंटे तक किसी को यही नहीं पता था कि नंबर ऑफ पैसेंजर इसमें टोटल कितने थे। कोई कह रहा है 108, कोई कह रहा है 95, कोई कह रहा है 98। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक प्लेन जो
कराची से लाहौर से उड़ा है कराची आने के लिए, मतलब 4 घंटे लग गए ये जानने के लिए कि भाई इसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो थे वो कितने थे। मतलब हैरानी वाली बात है, बहुत अफसोस वाली बात है, इंतहाई लम्हा फिक्री है ये। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इरफान जुनेजो वाली गलती नहीं करूँगा, मैं अपने मुँह से कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।